ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। प्यारे भक्तों, आज का जो प्रवचन है वो गीता के अध्याय 2 का 31वां श्लोक है। श्लोक कहता है, स्वधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितु महर्षि धर्माद्धि युद्धाक्षयो अन्य क्षत्रिस्यस्य न विद्धते स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष च विकम्पितु अहर्षि धर्मात ही युद्धात श्रेय अन्यत्र क्षत्रिस् न विद्यते। इसका मतलब यह हुआ कि तथा अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। कोई दूसरा आदमी इसको पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि हाँ, अर्जुन को भगवान ये समझा रहे कि भाई तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, लड़ाई युद्ध कर। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा इसका अर्थ हो तो ये ब्रह्म विद्या नहीं होगी, ये गीता ब्रह्म विद्या नहीं होगी, युद्ध विद्या हो जाएगी। गीता हाँ, युद्ध करने के लिए प्रेरणा वाली विद्या हो जाएगी। ये श्लोक जैसा है उससे बड़ा गहरा इसका अर्थ। सतगुरु भगवान प्यारे जिज्ञासु शिष्य अर्जुन से कहते हैं कि देख भाई, ये जो तेरा स्व है, ये स्व जो है वो तेरा आत्मस्वरूप है, और इसको जो जानना जानने का जो मार्ग है वही तेरा एकमात्र धर्म है। इसलिए तू तनिक भी कंपित यानी भयभीत मत हो, क्योंकि जिज्ञासु को क्षत्रिय भाव से अपने आंतरिक युद्ध में उतरना चाहिए। जैसे क्षत्रिय युद्ध को यज्ञ समझकर उतरता है, धर्म समझकर उतरता है, वो सोचता है कि मेरे प्राण चले जाएंगे तो मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा, यदि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे धरती का राज्य मिलेगा। युद्ध को एक तरह की साधना, पूजा, तपस्या और परमात्मा के मार्ग को ऐसा मानकर क्षत्रिय लोग युद्ध में उतरते थे, और प्राचीन काल में इसलिए इसको युद्ध को पवित्र माना गया जाता था कि देश को, राष्ट्र को अत्याचारियों से बचाना, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य था। क्यों कि यदि अत्याचारियों से कोई अच्छे सभ्य लोग हार जाते हैं तो अत्याचारी उस देश में आकर जो बर्बरता का नंगा नाच करते हैं वो उस उनको मारने की जो हिंसा है उससे ज्यादा पाप का कर्म है। आप सोचो कि यदि भारत में मुगल और ये लोग बाहर से जो युद्ध मतलब बाहर से जो आक्रमणकारी थे, यदि इनको मार दिया जाता, खदेड़ दिया जाता, तो क्या इस देश में जो आज ऐसी अपसंस्कृति की व्यवस्था चल रही है चल सकती थी क्या? अगर ये लोग इस देश में नहीं घुस पाते तो आज इस देश में जो ये विकृत मानसिकता की बातें होती हैं ये होती क्या? ये अपनी बहन बेटियों की जो उन्होंने इज्जत लूटी है, बहन बेटियों को लेकर काबुल के बाजार में गुलाम बना के उनको वहां बेचा, भारत की स्त्रियां 2-2 रुपए में काबुल के बाजार में बिकी उस जमाने में, तो क्या हो यह बात अच्छी थी? तो कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं वो तो बहुत गहरी बात है, लेकिन उथली बात भी काम की है कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाना या मार देना किसी को युद्ध के अंदर, यह भी बड़ा अच्छा कार्य है। वो इसलिए अच्छा कार्य है कि आप किसी से युद्ध भले मत करो, लेकिन यदि कोई आपसे युद्ध करने आ रहा है तो उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं
मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के द्वारा माफ किए जाने का बहुत विरोधी हूँ। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने जो दिखाई, करुणा दिखाई, वो गलत है। करुणा अयोग्य व्यक्ति को नहीं दिखाई जाती। हमारे सोमनाथ के मंदिर इत्यादि को जो तोड़ा गया है, जो भी कुछ हुआ, ये हमारे हिंदू धर्म की कायर मानसिकता के कारण, हमारे फूट के कारण हुआ। वो गलती ना दोहराई जाए। इस श्लोक में बड़ा गहरा संदेश है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, आपको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए, ये आपका स्वधर्म है। और यही बात हमारे शिष्यों से हम कहते हैं कि इस आत्म साधना को आप क्षत्रिय धर्म से करें। जैसे एक क्षत्रिय युद्ध में लड़ता है, ऐसे आपको अपने अंदर जो है, आपको अपने अंदर युद्ध करना है ना। इसलिए जिज्ञासु को क्षत्रिय भाव से आंतरिक युद्ध में उतरना चाहिए। भगवान अर्जुन को अर्जुन की ही भाषा में उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बचपन से खिलौने की जगह शस्त्रों से खेलता रहा है। अतः भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भैया, ये जो तेरा स्व यानी आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का जो धर्म है तेरा, उस धर्म का पालन कर और आत्मा को जानने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर तू चल पड़, उस मार्ग पर तू चल पड़। क्योंकि भगवान का इशारा है, भगवान का इशारा है साक्षी हो जाने का, भगवान का इशारा है दृष्टा हो जाने का। अगर व्यक्ति केवल दृष्टा ही हो जाए, यदि व्यक्ति साक्षी हो जाए, तो वो कर्तापने से हट जाता है। और कर्तापने से जब वो हट जाता है, तो अपने जब अंदर वो देखना शुरू कर देता है, तो काम है, क्रोध है, ये जो दो द्वंद्व की अवस्थाएं हैं, इनमें आदमी के अंदर एक युद्ध का वातावरण निर्माण होने लगता है। वह भयभीत हो जाता है, शांत हो जाता था, कंपित हो जाता था। जो उसको परेशानियां पहले हुआ करती थी साक्षी में होने के पहले, वो अब नहीं होती। वो तनाव रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, संयमित हो जाता है। और मुझे याद आता है कि सिकंदर होना, यानी बाहर का युद्ध जीत लेना सिकंदर नहीं है। सिकंदर होने का मतलब है जो अपने अंदर के युद्ध को जीत लेता है, जो अपने अंदर के शिष्यत्व को जगा लेता है। क्योंकि धर्म के इस मार्ग में और प्रत्येक जिज्ञासु को अपने अंदर के क्षत्रिय को जगाना बहुत आवश्यक है। क्षत्रिय जो अपने मन के बनाए हुए वासनाओं के चक्रव्यूह को, मन के योद्धाओं को, जो जिज्ञासु को प्रतिपल परास्त करने के लिए तैयार रहते हैं, बैठे रहते हैं ताक में, उनको परास्त कर सके और मन के सारे हथियारों को उस साक्षी के धनुष से, अवेयरनेस के बाण से उनको काट सके। और क्रमशः ये जो बुद्धि के भ्रामक जादू हैं, इनको हटा सके और चित्त के तलों पर उठने वाले तूफानों में जूझ कर और उन तूफानों को झेल कर उस तूफानों के पार जा सके। यह आश्चर्य की बात है कि जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी यह जागरूकता एक ऐसा चमत्कारी अस्त्र बन जाती है जिसे आप मात्र देख लेने भर से अपने अंदर के शत्रुओं को नष्ट कर सकते हैं। आपको अपने अंदर के मन बुद्धि चित्त के मिथ्यापन का बोध हो जाता है। अहंकार तो ऐसा हो जाता है कि ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आप अगर ध्यान में बैठे निरंतर, तो आपको मन तो ढूंढो नहीं मिलेगा, चित्त तो ढूंढे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपकी जो बेहोशी वो टूट जाती है, जो मन के कारण थी, ये जो आपकी बेहोशी है वो टूट जाती है, जो आपके मन के कारण थी वो बेहोशी आपकी टूट जाती है।
और यह जो विशेष ध्यान है, इस ध्यान के अस्त्र से आप अपने अंदर का युद्ध है, आंतरिक युद्ध है, उसको जीत कर परम जागरण के श्रेय मार्ग पर पहुंच सकते हैं। संसार की जो इंद्रियों को प्रिय लगने वाली वस्तुएं हैं और जो इंद्रियों में रमने वाला मार्ग है, वह प्रेय मार्ग है, और वह प्रेय मार्ग आपके सामने से गायब हो जाता है। अब जब ध्यान की गहरी अवस्था में जब आप पहुंचते हैं, तब आपका श्रेय मार्ग प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस धर्म युद्ध से बढ़कर कोई भी कल्याणकारी मार्ग इस जगत में है नहीं। भले आप कितनी भी साधनाएं कर लो, चाहे आप कितने भी अन्य विधियों से आप गुजर लो, दूसरी साधनाओं से और अन्य विधियों से यह आत्म साक्षात्कार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस मार्ग के अतिरिक्त इस मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग है ही नहीं। इसलिए यह एकमात्र मार्ग है, और इस मार्ग के जो विशेषज्ञ हैं वो ना के बराबर हैं। परमात्मा ने हमें कृपा की है हमारे ऊपर कि हम इस मार्ग के बारे में हमारे भक्तों, मित्रों और जो हमसे सच्ची श्रद्धा रखते हैं उन लोगों को हम बताएं, उन लोगों को हम चलाएं, उन लोगों के जीवन का हम कल्याण करें, उन लोगों को परमात्मा में हम जगाएं। और यह जो श्लोक है, फिर मैं इस श्लोक को दोबारा दोहरा देता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मम अपिच अवेक्ष न विकम्पतुम अर्हसि, धर्मात ही युद्धात श्रेया अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। यह स्वधर्म है, ये हमारा धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, स्वनाम आत्मा का है, इसलिए इस धर्म पर चलने में किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। और जिज्ञासुओं को क्षत्रिय के समान संघर्षशील और अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इस माया से युद्धरत रहना चाहिए। और इस धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यानी इस प्रकार से जब ध्यान करते हैं, और इस ध्यान के सिवा और कोई साधन है ही नहीं जो तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करा देगा। परमात्मा को आपको पाना है तो आपको केवल और केवल इसी साधन से गुजरना होगा। सतगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिवो हम।